Hi guys, my name is Sanjana. Welcome to my channel Mahak Rasoi Cook, Eat and Repeat. और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मस्त और बहुत ही अच्छा ऐसा मसाला जो आपकी बिरयानी को बहुत ही टेस्टी और यूनिक बना देता है। जो जब इसमें आप ऐड करते हैं तो आपको कोई मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिरयानी मसाला हम घर पे ही बनाएंगे और कैसे बनाएंगे ये देखिए। उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हमें सारे होल गर्म मसाले चाहिए और कुछ पाउडर फॉर्म में भी चाहिए। बट अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। 5 ग्राम हमने क्यूमिन सीड लिया है, जीरा, और 8 से 10 हमने साबुत लाल मिर्च ली है, और हमने धनिया सीड्स लिया है जिसको हमने क्रश कर लिया, वो भी 50 ग्राम है, और 25 ग्राम हमने सौंफ ली है, ग्रीन सौंफ, और 15 ग्राम हमने काली मिर्च के दाने लिए हैं, 10 से 15 हमने हरी इलायची ली है, और 5 से 6 हमने इसमें स्टार फूल यानी कि जिसको हम चक्र फूल कहते हैं हमने वो लिया है। दालचीनी के टुकड़े हैं 8 से 10 दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े हैं आधे इंच वाले, और हमने इसमें जावित्री के फूल लिए हैं 4 से 5 हैं, वो भी साबुत फूल लिया है। अगर आपके पास साबुत फूल नहीं है, क्रश है, तो आप उसको 10 से 10 ग्राम ले सकते हैं, और हमने लौंग ली है 10 से 15 ग्राम है, और 10 से 15 ग्राम ही हमने बड़ी इलायची ली है। आप चाहें तो इसमें तेज पत्ता भी आप ऐड कर सकते हैं, मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। आप चाहें तो 8 से 10 बड़े तेज पत्ता आप इसमें ऐड कर सकते हैं और इसका पाउडर बना सकते हैं। और इसको हमें और फिर क्या करना है, क्योंकि जब हम बिरयानी बनाते हैं, अगर हम बिरयानी मसाला वाली बिरयानी बनाते हैं, तो इसमें ये मसाला बहुत ही मतलब एक टॉप का इंग्रेडिएंट्स है और की इंग्रेडिएंट्स है जिसमें आपको कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं, बस यही ऐड करिए आपकी बिरयानी बिल्कुल हैदराबादी स्टाइल की बन जाती है। तो हमें इसको क्या करना है, कैसे रोस्ट करना है देख लेते हैं। हमने फ्लेम पर कढ़ाई चढ़ा ली है, इसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसको सिर्फ जस्ट हल्का सा रोस्ट करना है, माइल्ड रोस्ट करना है, इसको एकदम पूरा क्रैक नहीं होने देना है। और ये सारे मसाले हम एक ही बार में इसमें ऐड कर देंगे और हल्का सा गरम कर लेंगे और ठंडा करके हम इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। क्योंकि जब हम बिरयानी बनाते हैं और हमें घर पे ही बनानी है, तो हमारे जो मसाले हैं बिल्कुल साबुत और अच्छे होने चाहिए, बिल्कुल धुले, क्लीन, क्लियर, जो कि उसमें कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें इसको रखना भी है। और ये देखिए जो मसाला बन रहा है, ये एक बार की बिरयानी का नहीं बन रहा है, कम से कम इसमें आप 10-15 बार बिरयानी बना सकते हैं। अगर आप 1 किलो बिरयानी बना रहे हैं तो इसका 1 से 1.5 चम्मच ही पाउडर काफ़ी है 1 किलो बिरयानी बनाने के लिए। तो आप अगर ये बना रहे हैं तो मतलब 10-15 बार आप बना सकते हैं, इतना सारा पाउडर ये बनने वाला है, इतना ज़्यादा बिरयानी मसाला बन के तैयार होगा। तो गाइज़ आप यह नोट कर लीजिए कि कितना अच्छा, और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है गाइज़। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। और उसके बाद हम इसको देखिए, अब इसमें ये गरम हो गया है, अब इसको हम पूरा प्लेट में फैला लेंगे, अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे पूरे, अच्छी तरह से इसको ठंडा होने तक इसका वेट करेंगे, और उसके बाद हम इसका ग्राइंड करके फाइन पाउडर बनाएंगे। गाइज़ आपको जैसी भी मेरी वीडियो लगती हो, अगर अच्छी लगती है जो भी है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुझे और क्या करने की ज़रूरत है और मेरे को कैसी वीडियो और बनानी चाहिए और क्या क्या करनी, क्या क्या मेरे को अपनी कमियों को सुधारना चाहिए। तो गाइज़ आपके हेल्प की मुझे बहुत ज़रूरत है, वैसे भी न्यू यूट्यूबर हूँ तो आपके प्यार की तो बहुत ही ज़रूरत है मुझे। अब वो ठंडा हो चुका है, पूरे मसाले जो हमने गर्म करे थे वो ठंडे हो चुके हैं, अब इसको हम एक मिक्सी बाउल जार में इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास छोटा जार है तो आप इसको 2 से 3 बार कर सकते हैं, बड़ा जार है तो एक ही बार में आप इसको ऐड कर सकते हैं। और इसका फाइन पाउडर बनाने के लिए आप इसमें 2 चम्मच नमक आप पहले ही ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आपकी मसाला अच्छे से खूब अच्छे से फाइन पाउडर बन जाता है तो आपको इसमें नमक ऐड करने की पहले ज़रूरत नहीं है, आप बाद में भी कर सकते हैं, वो प्रिजर्व के काम आता है। और इसका हम अच्छे से एक फ़ाइन पाउडर बना लेंगे, पीस लेंगे इसको अच्छे से, ये देखिए। अब इसको हम पीसने के बाद हम इसको प्लेट में अच्छे से फिर ट्रांसफ़र कर लेंगे, और बाकी का जो प्रोसेस है इसमें और क्या क्या चीज़ ऐसी इंग्रेडिएंट्स है जो यूज़ होने वाली हैं वो हम देख लेते हैं। अब देखते हैं कि ये पाउडर कैसा बन के रेडी हुआ है, और आई एम श्योर बहुत ही अच्छा बना हो, क्योंकि गर्म था और रोस्टेड था, तो इसमें हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको छानने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए कितना पतला फाइन पाउडर बना है। तो इसको अब हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और ट्रांसफ़र करने के बाद हमें इसमें और भी जो हमारे पाउडर फॉर्म की चीज़ें थी वो इसमें हम मिक्स करेंगे, जिससे प्रॉपर एक बिरयानी मसाला बन के रेडी होगा।
इसमें कितने लोग इसमें पुदीना का पाउडर भी ऐड करते हैं। अगर आपको पुदीने पत्ते का पाउडर आपके पास है तो आप उसको भी एक चम्मच ऐड कर सकते हैं। इसमें हमने 2 चम्मच अमचूर पाउडर ऐड किया है जिससे थोड़ा सा इसमें खटास आती है, बहुत अच्छा लगता है। दो चम्मच अमचूर पाउडर ऐड करने के बाद इसमें हम 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। इससे इसका अच्छा बहुत अच्छा कलर आएगा। और जब आप बिरयानी बनाते हैं तो आपको किसी भी मसाले को ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें प्रॉपर सारे मसाले ऐड हो जाते हैं। और सॉल्ट हम इसमें डालते हैं, सॉल्ट 2 चम्मच, क्योंकि ज़्यादा मसाला बन रहा है तो ये प्रिजर्व रहेगा, इसका अरोमा ख़राब नहीं होगा। एज इट इज़ जैसा है वैसा का वैसा ही मसाला रहेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा। और फिर इसमें हम 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डालते हैं, और हल्दी पाउडर ऐड करके इसमें फिर देगी मिर्च भी हम इसमें ऐड करने वाले हैं जिससे थोड़ा अच्छा और तीखा बनाएगा। इसमें 2 चम्मच हम देगी मिर्च ऐड करेंगे, और 2 चम्मच देगी मिर्च ऐड करने के बाद हम इसको प्रॉपर, अगर आपको नटमेग का पाउडर भी इसमें ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, एक नटमेग का पाउडर आप बना सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ सर्दियों में यूज़ होता है। तो अच्छा है कि बेटर है कि आप इसको साइड में ही एक थोड़ा सा पाउडर बना के रख लीजिए, और जब आपको बिरयानी मसाला बना के ऐड करके डालना हो तो आप उसमें एक पिंच ऐड कर सकते हैं जब आप बिरयानी बना रहे हो तो। अब इसको हम प्रॉपर पूरा मिक्स कर लेंगे अच्छा सा। अगर आप इसमें हल्दी ज़्यादा डालते हैं तो इसमें पीला कलर आता है, हमने इसमें मिर्च का ऐड किया है, मिर्च पाउडर ज़्यादा ऐड किया है तो इसमें रेडिश कलर आएगा। और बाकायदा जब आप बिरयानी बनाएंगे तो आपको यही फील होगा कि भाई मैं इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 चम्मच बिरयानी मसाला डालो, बिरयानी हमारी रेडी। ये देखिए कितना अच्छा फाइन पाउडर बन के तैयार हुआ है। अब इसको आप एयर टाइट कंटेनर में आप जार में बंद करके रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, एंड बेल आइकन पे हिट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।